Hey guys, please welcome in my YouTube channel Gyan Ganga Education Kendra. Today is the most important MCQ in Hindi of physical education. This is my social site, so you can follow me here. I am GD Verma. तो अभी हम अपना जो है आज का सेशन स्टार्ट करते हैं MCQ of physical education. तुम्हारा पहला जो क्वेश्चन है, भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत किसने की, या हम कह सकते हैं कि भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया था. तो आपके जो ऑप्शन है वो इस प्रकार है, पीएम जोसेफ, एच सी वर्क, दौरवजी टाटा और भूपेंद्र सिंह. तो देखिए इस टाइप के आपके जो ऑप्शंस हैं, तो इसमें बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया भारत में. तो आपके क्वेश्चन के अनुसार जो आपका करेक्ट आंसर है वो है एच सी वर्क. तो एच सी वर्क ने आपको जो क्या है कि भारत में शारीरिक शिक्षा की शुरुआत. इनसे रिलेटेड और भी कुछ जो है इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, उनके बारे में जान लेते हैं. देखिए पहला है कि एच सी वर्क का जन्म नवंबर 25, या हम कह सकते हैं 25 नवंबर 1884 तथा निधन और इनकी मृत्यु जुलाई 24 यानी कि 24 जुलाई 1943 में हुई थी या हुआ था. एच सी वर्क ने अमेरिकन कॉलेज में स्पोर्ट्स कोच व शारीरिक शिक्षा इंस्ट्रक्टर के रूप में भी कार्य किया था. यानी ये सारी जो डिटेल्स हैं वो क्या है, एससी वक के बारे में, कि एससी वक कौन थे, क्योंकि वो इंडिया मूल के नहीं थे, उनका जो जन्म हुआ था वो क्या, वो अमेरिकन मूल के थे, तो उन्होंने वहां भी वर्क किया था. एससी वक जो है मद्रास ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम सेक्रेटरी थे. देखिए ये आपका बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम इसकी बात करें तो ये आपको जो है पता होना चाहिए कि कभी कभी क्वेश्चन पुटअप कर लेता है कि क्या है कि वो आपके कौन थे, कि प्रथम सेक्रेटरी थे, ठीक है ना. तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपके जो एच सी वक्त थे वो क्या है, मद्रास ओलंपिक एसोसिएशन के प्रथम जो है सेक्रेटरी थे. और वर्ष यानी कि जो कि वर्ष 1924 से स्थापित हुआ था, यानी कि जो मद्रास, अब बात कर रहा है क्या, मद्रास ओलंपिक एसोसिएशन की बात कर रहे हैं, जो कब स्थापित हुआ था आपका 1924 में बना था ये. ओके, तो ये आपको जो है पता होना चाहिए कि ये 1924 में जो है बना था. उन्होंने इस पद पर 1943 तक कार्य किया, मीन्स मृत्यु तक. उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1943 में हुई थी. तो क्या है, उस समय तक वो क्या है, मद्रास ओलंपिक एसोसिएशन के कौन रहे थे, सेक्रेटरी बन के रहे थे. देखिए इनके बारे में और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी बाई एमसी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन. अगर हम बात करते हैं बाई एमसी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन वाज फाउंडेड बाई, तो मिस्टर हैरी क्रोबक, इनका पूरा नाम है हैरी क्रोबक, इन द ईयर 1920. तो 1920 में इन्हें बाई एमसी कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना की थी. इनके बारे में और जान लेते हैं कि मिस्टर वक वाज द, ठीक है, पायनियर यानी प्रथम अन्वेषक और जो है अग्रदूत. अग्रदूत से अगर हम सेंस लगाएं कि अग्रदूत से मतलब क्या है, इन द फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग इन इंडिया, यानी कि अगर ट्रेनिंग की बात करें किसकी, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग की इन इंडिया, तो ये हमारे क्या थे, जो एच सी वक थे वो क्या थे, पायनियर थे, मींस प्रथम अनुवेशक या अग्रदूत के रूप में इन्हें कार्य किया. तो ये जो थे, इनकी अगर देखा जाए एच सी वक का बहुत बड़ा रोल रहा है फिजिकल एजुकेशन को बढ़ावा देने में, फिजिकल एजुकेशन को डेवलप करने में, कहाँ, इंडिया में. तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जो भी लर्नर्स हैं आप इन्हें नोट कर लें, क्योंकि इनसे रिलेटेड बहुत टाइप के क्वेश्चन जो है बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं. मद्रास ओलंपिक एसोसिएशन से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, बाई एम सी से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग ऑफ कॉलेज के नाम से भी क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं. तो ये सब आपको पता होना चाहिए. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्प्रिंग को ए भी जाना जाता है, ठीक है ना, यह स्प्रिंग की बात कर रहा है, कह रहा है स्प्रिंग को ए भी जाना जाता है. तो देखिए यहाँ पर जो आपके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है सफेद पानी, यानी सफेद पानी जाना जाता है, दूसरों का नेतृत्व करना जाना जाता है, लहर सवार जाना जाता है, या सतह पर तैरना जाना जाता है. तो ये आपके जो है ऑप्शंस हैं दिए हुए कि क्या क्या जो है जाना जाता है. तो देखिए अगर उस हिसाब से अगर हम बात करें, ये आपका जो गेम है जिसे हम सप्रिंग बोलते हैं, ये मोस्टली क्या होता है, ये जो है समुद्री गेम, या हम कह सकते हैं कि जो ऊंची ऊंची जो लहरें उठती हैं समुद्र में, उसके ऊपर जो है ये जो है प्रतिभाग किया जाता है, या मीन्स उस पर परफॉर्म किया जाता है. तो आपका जो इस हिसाब से जो क्वेश्चन है, उस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा, अगर हम देखें आंसर की आपकी बात करें, तो आपका जो सी वाला ऑप्शन है, इसे हम बोलते हैं लहर सवार.
तो आपका लहर सवार के नाम से भी एक है, इसे हम सफरिंग को जानते हैं। और आइए हम सफरिंग के बारे में थोड़ा सा और कुछ आपको इम्पोर्टेंट कुछ तत्व हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। देखिए सफरिंग को हम क्या सतही जल क्रीड़ा के नाम से भी जानते हैं, यानी कि जैसे कि आपको बताया गया कि अगर बात करते हैं कि सफरिंग को किस नाम से जाना जाता है या क्या जानते हैं, तो इसे क्या हम बोलते हैं सतही जल क्रीड़ा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इस क्रीड़ा को तरंग सवार या लहर सवार भी कहा जाता है, यानी देखिए ये अलग अलग नेम्स हैं उसके दिए हुए, अलग अलग नामों से बताया गया है। और ये कभी ना कभी आपसे जो क्वेश्चंस हैं या जो आपके जो एग्जाम में पूछा जाता है, जरूरी नहीं कि आपको सफरिंग वर्ड बोले वो जो है सतही जल क्रीड़ा के नाम से भी पूछ सकता है, तरंग सवार या लहर सवार के नाम से भी पूछ सकता है। तो ये आपको सारे पॉइंट्स के बारे में पता होने चाहिए कि सफरिंग है क्या। ये ऊंची व तीव्र लहरों पर की जाने वाली प्रतियोगिता है जो समुद्र की लहरों पर की जाती है, इसे सफरिंग कहते हैं। यानी कि जो समुद्र की जो ऊंची ऊंची लहरें होती हैं उन पे की जाती है, तो इन्हें हम क्या सफरिंग का नाम देते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये हमारे एडवेंचर गेम्स में आते हैं, या हम कह सकते हैं एडवेंचर टाइप की जो एक्टिविटी है उनमें आते हैं। तो ये चीज आपको जो है पता होनी चाहिए कि किस टाइप के आपके जो सफरिंग है, सफरिंग को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है और वो किस टाइप की क्रीड़ा या किस टाइप की प्रतियोगिताओं में उनका जो है नाम आता है। तो ये देखिए ये आपके लिए जो है एग्जाम्स के लिए बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन ही बात करते हैं कि नेतृत्व क्या है। देखिए जैसे कि आपको पता होगा नेतृत्व क्या है, या अगर इसका इंग्लिश वर्जन देखें तो इसे हम क्या लीडरशिप बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं कि नेतृत्व क्या है और उसके क्वेश्चन देखिए आंसर्स क्या हैं, कि नेता की गुणवत्ता, पहला ऑप्शन है आपका नेता की गुणवत्ता, सहन शक्ति, नेता की ताकत और नेता की शक्ति। यानी कि सिंपल सा क्वेश्चन है कि नेतृत्व है क्या या नेतृत्व क्या है, तो नेता की गुणवत्ता है, सहन शक्ति है, नेता की ताकत है या नेता की शक्ति है। तो देखिए आपके जो ऑप्शंस है उस हिसाब से क्या है, ये नेता की गुणवत्ता है। गुणवत्ता से सेंस होता है कि उसकी क्वालिटी है या मीन्स उसकी योग्यता है, जिससे कि वह दूसरों लोगों की हेल्प करता है, उन्हें अच्छे से मार्गदर्शन करता है, उनके बारे में बताता है और उनको क्या अच्छी समझ देता है, जो समस्याएं होते हैं उनको निपटाता है। आइए इसके बारे में हम और थोड़ा सा जान लेते हैं। नेतृत्व व्यक्ति की वह कार्य शैली या गुण है जो समूह का मार्गदर्शन करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया ये क्या करता है समूह, यानी समूह का मतलब जो ग्रुप है उसका मार्गदर्शन करता है। नेतृत्व एक ऐसी योग्यता है जो दूसरों का मार्गदर्शन करके उन्हें उचित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रेरित करता है, मीन कहने का मतलब है कि उन्हें एक अच्छा मार्गदर्शन करता है, गाइड करता है और उनका जो उचित लक्ष्य है उसके प्रति क्या प्रेरित करता है, मीन्स मोटिवेट करता है वाह सक्षम बनाता है और उनके लिए उतना क्या उनके लिए योग्य बनाता है, जिससे कि वो अपने कार्य को अच्छे से परफॉर्म कर सके। तो देखिए इस टाइप के जो है क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और बार बार इस टाइप के क्वेश्चन जो है आते हैं। तो जो कमिंग आपके एग्जाम्स हैं, जैसे कि अभी आपने देखा है कि जो है कल ही जो है उत्तर प्रदेश में जो है शारीरिक शिक्षा की बहुत सारी वैकेंसी आई हैं, तो उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, या DSSB में या MBS में या KBS में, यानी जितने भी आपके फिजिकल एजुकेशन के अगर हम देखें कॉम्पिटेटिव जो भी एग्जाम्स होते हैं तो मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन उसमें पुटअप किए जाते हैं, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि एक स्वस्थ व्यक्ति की BMI क्या होनी चाहिए। यहाँ पर यहाँ बात कर रहा है कि BMI, देखिए BMI की फुल फॉर्म होती है बॉडी मास इंडेक्स। अगर हम BMI की फुल फॉर्म की बात करें तो उसे क्या बॉडी मास इंडेक्स, यानी कि जो उसका इंडेक्स होता है उसको क्या करता है ये मिलेगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका कि 18 से नीचे, यानी जो 18 है उससे नीचे होनी चाहिए, 18.5 से 24.9 आपकी होनी चाहिए BMI किसकी, देखिए एक स्वस्थ व्यक्ति की बात कर रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका कि जो है 25 से 30 होनी चाहिए, आपका लास्ट ऑप्शन है कि 30 से ऊपर। तो देखिए एक स्वस्थ जो व्यक्ति है, स्वस्थ व्यक्ति की जो BMI होनी चाहिए वो आपके क्या होना चाहिए 18 पॉइंट, यानी 18.5 से या 18.5 से 24.9 होनी चाहिए एक स्वस्थ व्यक्ति की BMI। तो ये आपका रहा क्या एक स्वस्थ व्यक्ति की BMI। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो है बिंदु हैं उन पे हम बात करते हैं कि BMI के बारे में, ठीक है ना, ध्यान रखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके लिए और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है कलेक्ट किए गए हैं, उनसे रिलेटेड जो भी और इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन बनते हैं BMI से उनके बारे में भी बताया गया है। तो कह रहा है BMI के बारे में, ठीक है, बेल्जियन के, ठीक है,
लैम्बर्ट एडोल्फ ओके जैक्स क्विटलेट ने 19वीं जो है शताब्दी में सर्वप्रथम कैसे परिचित किया था, या हम कह सकते हैं कि सर्वप्रथम ने क्या यानी परिचय कराया था। तो देखिए कभी कभी ये पूछता है कि आपकी जो है बीएमआई की खोज किसने करी थी, या बीएमआई का संस्थापक कौन है या फाउंडर कौन है। तो कभी कभी वर्ड में तो क्या है, एक तो क्वेश्चन ये बनता है भाई कहाँ के रहने वाले हैं, तो क्या बेल्जियन के, तो आपका ये क्या आंसर हो जाएगा आपका कि बेल्जियन के रहने वाले हैं। तो बेल्जियन के रहने वाले एक तो एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा बन जाएगा कि उनका नाम क्या है। तो देखिए पहले तो ये बेल्जियम हो गया, दूसरा नाम क्या है लैम्बर्ट एडोल्फ ठीक है जैक्स जो है क्विटलेट ने कौन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बताता है कि कौन सी शताब्दी में उनने इसका मतलब बीएमआई को जो है इंट्रोड्यूस किया था, तो 19वीं शताब्दी में उनने क्या बताया था, इसका प्रयोग मोटे जो है मोटापे की डिग्री को मापने के लिए किया जाता है। देखिए कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि भाई इसका प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो मींस जो मोटापे की डिग्री है ठीक है डिग्री ऑफ द ओबेस या हम ओबेसिटी कह सकते हैं, तो उसकी डिग्री को किसके मोटापे की डिग्री को मापने के लिए किया जाता है, या शरीर की वसा का स्तर मापने के लिए इसका प्रयोग होता है। तो देखिए ये आपके क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है इसमें तैयार किए गए हैं, कोशिश की गई कि आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है प्रिपेयर हो। बीएमआई को मापने का जो सूत्र होता है शरीर का वजन किलोग्राम में, यानी कि आपको जो शरीर का वजन वो कैसा होना चाहिए किलोग्राम में होना चाहिए, और ऊंचाई वर्ग मीटर में होनी चाहिए, यानी कि ऊंचाई गुणे ऊंचाई ठीक है इन मीटर स्क्वायर, ये हम कह सकते हैं वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ये आपका जो है हिंदी में बताया गया है कि लिखा गया कि शरीर का वजन किलोग्राम में होना चाहिए, ऊंचाई आपकी वर्ग मीटर में होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं इसी को अगर इंग्लिश में हम थोड़ा सा देखें, तो देखिए क्या आपका कि आपका जो बॉडी है बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स की अगर हम बात करते हैं जैसे हम बोलते हैं बीएमआई इज ए ठीक है पर्सन वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय द स्क्वायर ऑफ हाइट इन मीटर, यानी कि जो आपकी हाइट है इन मीटर उसका स्क्वायर करके जब हम डिवाइड कर देंगे तो बंदे की बीएमआई जो है फाइंड आउट जो है हो जाती है। तो आपको देखिए ये क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है तैयार हो जाते हैं, तो इस तरह से आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में आईओसी का मुख्यालय स्थित है, यानी आईओसी का मतलब क्या हो गया ओलंपिक जो है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ठीक है। तो ये कह रहा है कि किस देश में आईओसी का मुख्यालय स्थित है, तो देखिए आपके ऑप्शन है दिए हुए, ऑप्शन में स्विट्जरलैंड, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका इंग्लैंड, उसके बाद ऑप्शन जो है आपका भारत, और लास्ट ऑप्शन है आपका नेपाल। तो आपका जो आईओसी का मुख्यालय यानी हम कह सकते हैं हेडक्वार्टर, तो जो आपका जो हेडक्वार्टर है किसका आईओसी का जो हेडक्वार्टर है वो क्या आपका स्विट्जरलैंड में है। अगर हम यहाँ पर देश की बात करें तो वो क्या आपका स्विट्जरलैंड में आपका मुख्यालय स्थित है। तो ये तो आपका रहा ऑप्शन जो आपके दिए हुए हैं आपके क्वेश्चन के हिसाब से जो ऑप्शन दिए हैं उसके हिसाब से, तो आपका क्या है स्विट्जरलैंड जो है इसका राइट आंसर है या सही आंसर है। अगर हम इसके बारे में और हम डिटेल में थोड़ा सा जाएं या इसके बारे में और भी कुछ अगर हम इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बनते हैं उनकी बात करें, तो देखिए यहाँ पर जो है मैंने बताने का आपको बहुत ही अच्छे से प्रयास किया है जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए और आपका कोई भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड छूटे नहीं। लगभग 126 वर्ष पहले आईओसी की स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी, तब आपको पता होना चाहिए 126 वर्ष पहले आईओसी की स्थापना ठीक है ना 23 जून 1894 को ठीक है प्यूरे वेरन डी कुवर्टिन के प्रयासों द्वारा हुई थी। देखिए ये जो नाम आया है प्यूरे डी कुवर्टिन, इसे हम क्या आधुनिक ओलंपिक का पिता भी कहा जाता है। ये फ्रांस के रहने वाले थे, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको बताया था ये कहाँ के रहने वाले थे, फ्रांस के रहने वाले थे। तो इनके प्रयासों से 23 जून 1894 को क्या हुआ था आपका आईओसी की स्थापना हुई थी। आईओसी का जो मुख्यालय है वो क्या है लुशाने स्विट्जरलैंड में है, ध्यान रखिए यानी कि वहां का जो शहर का नाम है लुशाने ठीक है, तो वो स्विट्जरलैंड में स्थित है, तो वहां इसका हेडक्वार्टर किसका आईओसी का। तो देखिए एक क्वेश्चन से आपके आईओसी से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन जो है आपके कवर हो रहे हैं इस क्वेश्चन मतलब जो इस वीडियो में या इस सेशन में। वर्तमान में आईओसी के जो अध्यक्ष हैं, कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष कौन है, तो वो क्या जर्मन के, पहले तो ये पूछता भाई कौन से देश के हैं, तो क्या जर्मन देश के हैं, क्या नाम है उनका थॉमस बाख,
थॉमस बक है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि थॉमस बक का जन्म कब हुआ, तो आपको पता होना चाहिए कि 29 दिसंबर 1953 को उनका जन्म हुआ होगा, जो कि आईओसी के 9वें अध्यक्ष। कभी कभी ये पूछा कौन से नंबर के अध्यक्ष है, तो 9वें नंबर के क्या है वो अध्यक्ष है। ओलंपिक का जो मोटो है लैटिन भाषा से लिया गया है, लैटिन भाषा के तीन वर्डों से, या हम कह सकते हैं तीन शब्दों से लिया गया है, जिसका मतलब है CTS LTS FORTIUS से लिया गया है, जिसका अर्थ है फास्टर, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं तेज, हायर ऊंचा, और स्ट्रॉन्गर शक्तिशाली। यानी CTS का मतलब क्या हो गया आपका, फास्टर। LTS का मींस क्या हुआ, हायर, ठीक है। FORTIUS का मींस क्या हुआ, स्ट्रॉन्गर यानी शक्तिशाली। यह मोटो, कभी कभी देखो ये भी क्वेश्चन पूछता है यह मोटो किसने दिया है, तो यह मोटो क्या, फादर हेनरी डीडान ने वर्ष 1894 में बनाया था, और बनाने के बाद यानी ये कौन थे। आप कभी कभी पूछ लीजिए कि फादर डीडान थे कौन, हेनरी डीडान, तो ये क्या थे, ये जो बैरन जो है आपके प्यूरे बैरन डी कुबर्टिन है, इनके फ्रेंड थे। और इनने क्या हुआ था, इनने इसे क्या 1894 में ही बनाया था, और वर्ष 1894 में इस मोटो को आईओसी ने ग्रहण कर लिया, मीन्स एक्सेप्ट कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद तो देखिए अब आपका जो क्वेश्चंस है इसमें देखिए कम से कम आई थिंक 10 क्वेश्चन जो है समथिंग आपके वन लाइनर क्वेश्चन जो है कवर किए गए हैं, तो ये आपके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट्स आपका बहुत ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड है, तो आप इन्हें अगर नोट करना चाहें तो आप इन्हें नोट भी कर लें, और जो है आप इन्हें बढ़िया से प्रिपेयर कर लें, जैसे कि आपके कमिंग एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन छूटे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके द्वारा प्राचीन ओलंपिक समाप्त किए गए थे। देखिए ये भी आपका ओलंपिक का गेम है, वो सॉरी ओलंपिक का जो है क्वेश्चंस है, तो इसमें बताया गया है भाई किसके द्वारा जो आपके प्राचीन ओलंपिक यानी जिसे हम एशियंट ओलंपिक भी बोलते हैं, कि किसके द्वारा आपके जो समाप्त किए गए थे। तो देखिए पहला ऑप्शन क्या है आपका, भाई फ्रांस था, फ्रांस देश के द्वारा हुए थे, जर्मनी, जर्मनी के द्वारा हुए थे, रोमन यानी कि रोम, रोम के जो लोग थे, या रोमन के द्वारा, या रोम के द्वारा किए गए थे, या बोलते हैं ठीक है इजिप्टियन यानी मिस्र बोलते हैं इसे, या मिस्र के द्वारा हुए थे। तो देखिए अगर आपको पता होगा जी हमारे जो प्राचीन ओलंपिक हुए थे ये कहाँ, ग्रीस देश में होते थे पहले, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई कौन से देश में ये होते थे, तो ग्रीस देश में होते थे, एज अ कल्चरल और ट्रेडिशनल टाइप के क्या थे ये गेम्स थे। कल्चर ट्रेडिशनल का मतलब होता है जैसे कि अगर इंडिया की हम बात करें से होली दीपावली हम सेलिब्रेट करते हैं, ऐसी सेम वहां पर क्या होता था कि ओलंपिकों का क्या आयोजन होता था, और उस समय पर जो भी युद्ध होते थे या जो भी आपस में जो लड़ाइयाँ होती थी उन्हें रोक दिया जाता था, और ये गेम के समय लोग पार्टिसिपेट करते थे, और ये गेम जो है ओलंपिया नाम की वैली में संपन्न होते थे, या जो है इनका आयोजन होता था। इनका आयोजन जो वहां के गॉड थे जियस, उनके जो है समर्पण में, या हम कह सकते हैं कि उनके सम्मान में जो है ये किए जाते थे। तो देखिए जैसे कि जो ऑप्शन है दिए हुए उसके हिसाब से आपको जो करेक्ट आंसर है, तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या आपका रोमन है, यानी कि रोमन ने क्या हुआ था कि प्राचीन ओलंपिक खेलों को समाप्त कर दिया, या बैन कर दिया, हम कह सकते हैं कि बर्बाद कर दिया। तो आइए इससे रिलेटेड जो आपका प्राचीन ओलंपिक है इससे रिलेटेड भी हम कुछ इंपॉर्टेंट आपके तथ्य सामने रखता हूं मैं, जो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेंगे आपके कमिंग एग्जाम्स के लिए। प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल की जो शुरुआत हुई थी, अगर हम बात करते हैं भाई प्राचीन ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो आपके जो लिखित रूप से जो आपके जो तथ्य है दिए हुए वो क्या है, यानी 1776 BC में, तो आपके क्या 1776 BC में जो है हुए थे गॉड जियस के सम्मान में आयोजित होते थे। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया क्या कि किसके सम्मान में होते, गॉड जियस के सम्मान में आयोजित होते थे। यह उत्सव ओलंपिया नामक घाटी में होते थे, यानी कि इन्हें कहाँ, इनका अगर कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछता भाई कहाँ होते थे, तो ओलंपिया नाम की जो घाटी थी वहां इनका आयोजन होता था, और इसी के नाम पर इसका नाम ओलंपिक पड़ा, यानी कि वो जो वैली थी, या हम कह सकते जो घाटी थी ओलंपिया, इसी के नाम पर इसका नाम क्या ओलंपिक पड़ा। प्राचीन ओलंपिक खेल 5 दिन तक चलते थे, कभी कभी ये पूछता है क्वेश्चन कि भाई कितने दिन तक प्राचीन खेल चलते थे ओलंपिक, तो आपको पता होना चाहिए 5 दिनों तक चलते थे। प्राचीन ओलंपिक खेल यानी थॉर्डोसियस, ठीक है, प्रथम के द्वारा, यानी जो अभी बात हुई है कि भाई किसके द्वारा समाप्त किए गए थे, तो देखिए थोरोडोसिस जो है थोरोडोसिस प्रथम के द्वारा 394 AD में समाप्त किए गए थे, जो रोम का सम्राट था।
यानी कि रोम का जो सम्राट था उसके द्वारा इन गेमों को यानी प्राचीन ओलंपिक गेमों को क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। तो ये आपको जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अंग शारीरिक फिटनेस का नहीं है? देखिए यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछा गया भाई कौन सा अंग जो है वो शारीरिक फिटनेस का जो है नहीं है। तो देखिए ऑप्शन है आपका चाल, सहन शक्ति, ताकत और शक्ति। तो ये इसमें बताया गया भी कौन सा है जो शारीरिक फिटनेस का नहीं है, मींस कह रहा है फिजिकल फिटनेस, जैसे हम क्या बोलते हैं कि फिजिकल फिटनेस के कंपोनेंट की यहाँ बात कर रहा है। तो कह रहा है चाल, सहन शक्ति, ताकत और शक्ति। तो देखिए जो आपके ऑप्शन दिए उसके हिसाब से तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो आपका क्या है, शक्ति, यानी जो शक्ति है आपका वो आपका क्या है, आपका जो है अंग नहीं है, किसका, शारीरिक फिटनेस का ये अंग नहीं है। आइए इससे रिलेटेड मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है टिप्स बता देता हूँ, जो पॉइंट्स हैं। देखिए मुख्य रूप से जो शारीरिक फिटनेस है उसके 5 अंग हैं, यानी इसके कितने अंग हैं, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कि भाई कितने अंग हैं टोटल, तो इसके 5 है। कौन कौन से, चाल हो गई, देखिए चाल, चाल, सहन शक्ति, ताकत, लचीलापन, समन्वय या तालमेल, जिसे हम कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो ये क्या है, स्पीड हो गया, सहन शक्ति, सहन शक्ति मीन्स एंडोरेंस, ताकत स्ट्रेंथ, लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी और समन्वय या तालमेल, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। तो ये आपके जो है मेन तत्व थे, या हम कह सकते हैं कि आपके जो मेन अंग थे किसके, आपके शारीरिक फिटनेस के। तो देखिए ये आपको पता है या आपको बताया गया है, तो इससे आपको क्या है कि ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की आइए हम बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है इस प्रकार है कि ताकत को कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी कि अगर हम बात करते हैं ताकत, ताकत मीन्स स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ को कितने भागों में जो है क्या वर्गीकृत किया जा सकता है या हम उसे बांट सकते हैं। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन है आपका 5, 2, 4 और 6। तो देखिए मुख्य रूप से ताकत को हम क्या है, जो आपके ऑप्शन है दिए उस हिसाब से हम क्या कितने भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, केवल हम 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं ताकत को, मीन्स स्ट्रेंथ को। वो कौन कौन से भाग हैं आपके, एक हो गया आपका स्टैटिक स्ट्रेंथ हो गया, और दूसरा हो गया आपका डायनामिक स्ट्रेंथ। फिर डायनामिक स्ट्रेंथ के भी बहुत सारे पार्ट्स जो है आपको बताए गए हैं। आइए मैं आपको कुछ जो है इंपॉर्टेंट बिंदुओं के माध्यम से जो है बता देता हूँ, जिससे कि आपको पता रहेगा कि हाँ जो है कौन सा आपका इम्पोर्टेंट जो है पार्ट्स हैं। तो आइए अगर हम बात करते हैं तो देखिए आपके जो इम्पोर्टेंट जो बिंदु है, यानी ताकत को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, कौन सा है, देखिए स्टैटिक्स या स्थिर ताकत बोलते हैं उसे, वाह डायनामिक या गतिशील ताकत, यानी मेन आपके जो है वो 2 भाग हैं, 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। डायनामिक्स या गतिशील ताकत को अन्य 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ और स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। तो ये आपके क्या है मेन 3 जो है आपके पार्ट्स हैं वो किसके, डायनामिक स्ट्रेंथ या गतिशील ताकत के। तो देखिए एक ही क्वेश्चन से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है कवर जो है किए गए हैं या करने का प्रयास किया गया है, तो आपको ये सारे भी क्वेश्चन पता होने चाहिए, उनके पार्ट्स भी पता होने चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष में बाधर या बहरा ओलंपिक शुरू हुए, यानी कि बाधर का मतलब होता है कि उन व्यक्तियों के लिए ऐसे ओलंपिक जो है ऑर्गेनाइज किए गए थे कि जिन लोगों को सुनाई नहीं पड़ता है, या हम कह सकते हैं कि जिन लोगों को क्या सुनने की पावर नहीं होती है अच्छी, तो उनके लिए ये ओलंपिक की शुरुआत की गई थी, जिससे कि उन्हें भी इक्वल अपॉर्चुनिटी प्राप्त की जा सके। तो देखिए आपके जो ऑप्शन है, यानी लिखा है कि किस वर्ष में बाधर ओलंपिक जो है शुरू हुए, तो आपका पहला ऑप्शन है पेरिस 1924 में, रोम 1926 में, भारत 1930, जर्मनी 1930। तो आपका जिस हिसाब से आपका क्वेश्चन है और उसके जो ऑप्शन हैं आपके, तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन, यानी पेरिस 1924 में, पेरिस में सबसे पहला आपका बाधर ओलंपिक गेम जो है स्टार्ट हुआ था। तो ये कुल उन लोगों के लिए थे कि जिन लोगों को कोई सुनने की प्रॉब्लम्स हो या किसी तरह से सुन नहीं पा रहे थे, तो उनके लिए जो है ये गेम्स जो है परफॉर्म किए गए थे, जैसे हम बोलते हैं पेरिस में हुए थे 1924 में। तो आइए इससे रिलेटेड हम कुछ जो है इसके इम्पोर्टेंट जो है
पॉइंट्स या कुछ डिस्कशन कर लेते हैं मुख्य बिंदुओं के। देखिए वर्ष 1924 से 1900 जो है 65 तक बाधिर ओलंपिक खेल को आधिकारिक रूप से बाधिर के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल या अंतरराष्ट्रीय शांत खेल के नाम से पुकारा गया। देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि भाई 1924 से लेके 1965 तक बाधिर ओलंपिक खेल को ऑफिशियली यानी आधिकारिक रूप से किस नाम से पुकारा जाता था, तो लिखा है बाधिर के लिए अंतरराष्ट्रीय खेल, यानी मीन्स जो लोग सुन नहीं पा रहे हैं उनके लिए अंतरराष्ट्रीय खेल या अंतरराष्ट्रीय शांत खेल के नाम से पुकारा गया। वर्ष 1966 से लेके 1999 तक बाधिर के लिए बर्ड गेम, अब इसको दूसरा नाम दे दिया गया, बाधिर के लिए बर्ड गेम या बर्ड शांत गेम के नाम दिया गया। यानी कि लेके आप आए 1966 से लेके अगर 1999 की बात करें तब आपको क्या, यानी कि बाधिर के लिए वर्ड गेम या वर्ड शांत गेम नाम दिया गया। बर 2001 से बाधिर यानी कि बाधिर या बहरा ओलंपिक खेल के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करें कि हमारे जो बाधिर ओलंपिक कब से जाना जाता है, तो क्या 2001 से इसका नाम जो है शुरुआत हुआ, तब से आज तक जो है इन्हें बाधिर ओलंपिक गेम के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले कहाँ हुआ थे, पेरिस 1924 में हुआ था। अब देखिए आगामी जो आपके जो है ग्रीस बाधिर जो ओलंपिक खेलों का आयोजन 2021 में, ठीक है, जो है आपका कैस जो है आपका कैसियस जो है डे लुस यानी ब्राजील में होगा, यानी आपका क्या है जो है कैसियस डू लुस वो सॉरी सुल ब्राजील में होगा। किसका आपका जो आपका आगामी जो आपका ग्रीम है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आगामी आपके कहाँ होने वाले हैं। अगर देश पूछेगा तो आप ब्राजील बताएंगे, अगर उसकी सिटी पूछेगा तो क्या कैसियस जो है डो सुल में। 2023 में शीतकालीन बाधिर ओलंपिक खेल कनाडा के क्यूबेक शहर में होंगे। ध्यान रखिए अगर शहर पूछता है तो कनाडा हो गया, अगर क्यूबेक पूछता है तो आपका क्या आपका जो है क्यूबेक शहर हो गया। तो ये आपके क्या हो गए आपके बाधिर गेम से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हो गए कि किस टाइप से आपके ये चीज जो है होंगे। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रथम अंतरराष्ट्रीय विशेष ग्रीस ओलंपिक खेल शुरू हुए थे, यहाँ कहें खेल हुए थे, तो देखिए कह रहा है प्रथम अंतरराष्ट्रीय विशेष जो है आपका ग्रीस जो है ओलंपिक, यानी वैसे मतलब स्पेशल ओलंपिक के नाम से भी हम जानते हैं, स्पेशल ओलंपिक की बात कर रहे हैं। तो अगर हम इनकी बात करते हैं तो हमारे ये जो गेम्स हुए थे तो बता रहा है कह रहा है 1990 में हुए थे, 1968 में हुए थे, 1900 जो है आपका 75 में हुए थे या 1900 आपका जो है 87 में हुए थे। तो देखिए आपके जैसे ऑप्शन है दे हुए यानी जो स्पेशल ओलंपिक है, तो आपका जो स्पेशल ओलंपिक जो स्टार्ट हुआ था वो आपका क्या 1968 में पहली बार हुआ था। तो आपको देखिए पता होना चाहिए क्या 1968 में सबसे पहले आपके स्पेशल ओलंपिक जो है ऑर्गेनाइज हुए थे। इससे रिलेटेड आइए कुछ हम महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं। लिखा है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय विशेष जो है ग्रीसिंग ओलंपिक खेल 20 जुलाई, देखिए डेट भी आपको पता होनी चाहिए कि आपकी कौन सी तारीख में, अगर वो पूछता है कि भाई हुए थे, ये तो केवल बात ये रही थी अगर सन की बात पूछता है तो 1968, अगर वो एग्जैक्ट डेट पूछता है तो 20 जुलाई को 1968 में कहाँ चिकागो में, देखिए ये भी कभी कभी पूछता है कि भाई किस जगह हुए थे, तो आपको पता होना चाहिए चिकागो में आयोजित हुए थे। ठीक है, अब यहाँ पर बात होती है कि इसके संस्थापक कौन थे, किसने इन्हें क्या या फाउंडर कौन थे इनके, तो देखिए क्या है आपका यूनाइस केड जो है आपका केनेडी, ठीक है, सिरीवर को विशेष ओलंपिक खेल के संस्थापक के रूप में माना जाता है। मीन्स ये जो है जिसे हम बोलते हैं, देखिए ये जो पर्सन है क्या है यूनाइस केनेडी सिरीवर को क्या ओलंपिक यानी कि जो आपका कौन विशेष ओलंपिक के खेल के संस्थापक रूप में माना जाता है। मीन्स इनने इसको क्या फाउंडर किया या हम कह सकते हैं कि ये लाने का जो सिरा है स्पेशल ओलंपिक का वो इन्हें दिया गया है। क्या ये गेम्स किसके लिए थे, देखिए यहाँ लिखा हुआ है फॉर चिल्ड्रन एंड एडल्ट दोनों के लिए थे विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी ये गेम्स किसके लिए होते हैं कि जो व्यक्ति चाहे वो बच्चा हो चाहे वो नौजवान जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हो जिसमें हम कहते हैं आध्यात्मिक रूप से कैसा हो कमजोर हो या मीन्स किसी टाइप की कोई कमी हो या फिजिकल डिसेबिलिटी हो या उसमें शारीरिक कोई क्या है कि कोई हो
डिसेबिलिटी और प्रोवाइडिंग ईयर राउंड ट्रेनिंग, और उनके लिए क्या किसी ट्रेनिंग भी जो है प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो मीन स्पेशल ओलंपिक उन लोगों के लिए हैं जो क्या इंटेक्चुअली डिसेबल्ड हो या फिजिकली डिसेबल्ड हो। तो देखिए आपको ये भी पता होना चाहिए भाई ये किन के लिए ऑर्गेनाइज की जाते हैं, मीन्स जो बच्चे या जो नौजवान जो क्या है आपका इंटेलेक्चुअली डिसेबल्ड हो या फिजिकल डिसेबल्ड हो। तो ये भी आप तो क्या 20 जुलाई 1968 को शिकागो में इनका आयोजन हुआ था, प्रथम आपके जो है आपका स्पेशल ओलंपिक गेम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, दिस इज माई सोशल साइट सो यू कैन फॉलो मी। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर एंड लाइक, और अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें जिससे कि उन लोगों को भी आपको बेनिफिट्स मिल सके। हैव अ गुड डे डियर लर्नर्स।